हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम लोग पढ़ाई एक शानदार डे के साथ शुरू करते हैं। आज है 4 दिसंबर और 4 दिसंबर को हर साल हम लोग इंडियन नेवी डे के रूप में मनाते हैं, ताकि हमारे जो इंडियन नेवी है उनका क्या अचीवमेंट रहा और क्या रोल है हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस में। आपको पता होना चाहिए इंडियन नेवी इंडियन आर्म फोर्स का एक पार्ट है और इसका कमांडर इन चीफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। और मराठा एम्परर जो छत्रपति शिवाजी भोसले थे 17th सेंचुरी के, उन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी के रूप में जानते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम 4 दिसंबर को हर साल क्यों इंडियन नेवी के रूप में मनाते हैं। इसीलिए हम 4 दिसंबर को हर साल मनाते हैं, क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को हमारे इंडियन नेवी के द्वारा, जब इंडो पाक इंडिया और पाकिस्तान के बीच लड़ाई चल रही थी, उसी दिन काफ़ी साहसी पूर्वक काफ़ी कोरजियस अटैक किया गया था कराची हार्बर जो है पाकिस्तान पर, और हमारे देश के रक्षा करते हुए ये जवान शहीद हो गए। तो जो भी मार्टियर्स जो भी शहीद हो गए, उनको हम दिल से याद करने के लिए, रिवरेंस करने के लिए, उनको इज्जत करने के लिए हम हर साल 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे के रूप में मनाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लोगो। ओके, चलते हैं आगे। हम लोग क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 11 है, उसका जो चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, चैप्टर नंबर 11 फिजिक्स का है, हम लोग शुरू करते हैं। इसको हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे, ये पहला हमारा लेक्चर है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ाई करना है। सबसे पहले इस चैप्टर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, कि क्या होता है वर्क, क्या होता है एनर्जी, क्या होता है पावर, है ना। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, देन फिर हम वर्क के बारे में पढ़ेंगे, फिर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। फिर एनर्जी में दो टाइप होता है, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, इनके बारे में देखेंगे। यानी इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले, उनका ओवरव्यू। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, पावर क्या होता है वो पढ़ेंगे, और एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे। ओके, उससे पहले कि आप वर्क के बारे में पढ़ेंगे, आप थोड़ी देर मेरे वीडियो को पॉज करने के बाद आप सोचना कि आप दिन भर में क्या कौन कौन सा काम करते हैं, कौन कौन सा आप काम करते हैं, या आसपास जो लोगों को कौन कौन सा आप काम करते हुए देखते हैं। थोड़ी देर आप सोचना और एक लिस्ट बनाना, फिर मेरा वीडियो को आगे देखना। ओके, तो चलिए, अगर आपने सोच लिया होगा तो आप अगर काम करते होंगे इनमें से कोई, जैसे पढ़ाई करते होंगे आप, या फिर आप अगर कूली मूवी देखे होंगे तो आप अमिताभ बच्चन को, है ना, सामान ले जाते हुए ट्रेन से देखे होंगे, या फिर कोई अगर सूट केस ले जा रहा है हाथ से पकड़ करके, या सूट केस ले करके खड़ी हैं, या फिर कोई खाना बना रहा है, या मौत के कुएं में अगर कोई खिलाड़ी अपना प्रदर्शन दिखा रहा है, तो ये भी कोई, यहाँ जितने भी लोगों का आप फोटो देख रहे हैं, पढ़ाई करना या फिर कोई सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, या तो फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप सूटकेस को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, या लेकर के खड़े रहना, खाना बनाना, मौत के कुएं पर अपने जान का बाजी रखते हुए खेलना, जान को अपने हथेली पर लेकर के खेलना, ये भी कोई काम ही नहीं है। तो आप आश्चर्य कर रहे होंगे, फिर काम क्या है दोस्तों। ये तो काम है, लेकिन ये फिजिक्स के हिसाब से ये सारे कोई भी काम नहीं है। ओके, तो काम क्या है देखते हैं, फिजिक्स में काम क्या होता है। इंटरेस्टिंग, फिजिक्स में डिफिनेशन ये है कि अगर कोई, सपोज करो ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इस पर एक फोर्स लगाया किसी ने, और जैसे ही फोर्स लगाया, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक एस डिस्टेंस, मान ले डिस्टेंस है कोई, मतलब 10 मीटर 5 मीटर जितना भी ट्रैवल किया, सपोज करो यहाँ से हमने फोर्स लगाया और कहाँ पहुँच गया, यहाँ 10 मीटर ट्रैवल किया। ओके, तो ये डिस्टेंस हो गया, तो वर्क डन बराबर होता है फिजिक्स में फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा क्या होता है, ये जो थीटा क्या होता है, ये जो हम लोगों ने डिस्टेंस ट्रैवल किया ना, ये डिस्टेंस ओके, ये डिस्टेंस जो है ये एंगल होता है, जो फोर्स है और ये डिस्टेंस वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट है। आपको पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस है, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ओके, तो जो ये डिस्प्लेसमेंट है,
ये जो डिस्प्लेसमेंट है एस वेक्टर और ये जो फोर्स है इनके बीच का जो एंगल है उसका हम कॉस ले लेंगे, वही होता है हमारा वर्क डन। तो आप पीछे का वीडियो में ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है आप ज़रा सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे फोर्स तो बेचारी पढ़ने में लगा रही है, पूरे पढ़ रही है, लेकिन अपना इंटरनल फोर्स जो केमिकल फोर्स से लगा रही है लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। यहाँ आप सोच करके बताएंगे, हम लोग आगे न्यूमेरिकल वाले एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे, यहाँ भी आप बताएंगे ये भी खड़ी है तो डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। यहाँ आप बताएंगे, यहाँ सोचेंगे कि यहाँ पे वर्क क्यों नहीं हो रहा, यहाँ वर्क क्यों नहीं हो रहा और यहाँ पर वर्क क्यों नहीं हो रहा। आगे का वीडियो में हम लोग देखेंगे इनको एक तरफ से कि वर्क क्यों नहीं हो रहा है। तो आप यहीं से अगर फिजिक्स में कहीं पर भी फोर्स अप्लाई किए और देन डिस्प्लेसमेंट एस कवर कर गया और कॉस ऑफ एंगल मतलब जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल है ओके वो हम कॉस के साथ ले लेंगे तो हमारा वर्क डन आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए ये एक एस्केलर क्वांटिटी है, वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है जूल होता है या तो फिर न्यूटन मीटर, क्योंकि वर्क बराबर क्या होता है एफ इंटू एस इंटू कॉस ऑफ एंगल, फोर्स का होता है न्यूटन ओके और डिस्प्लेसमेंट का होगा मीटर और कॉस ऑफ एंगल का कोई भी यूनिट नहीं होता, ये यूनिट लेस होता है ओके। और वर्क डन का होता है जूल, देन वर्क वन जूल बराबर होता है वन जूल इज इक्वल टू वन न्यूटन मीटर ओके। सपोज करें इस न्यूमेरिकल को अगर हम देखें, सपोज करें कि यहाँ सपोज करते हैं कि यहाँ से ये चलना शुरू किया, 10 मीटर ट्रेवल किया, मीन्स एस क्या दे दिया है 10 मीटर, मान लेते हैं फोर्स कितना न्यूटन का लगा रहा है वो 5 न्यूटन का, देन फोर्स भी कितना गिवन है 5 न्यूटन और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल दे दिया है उन्होंने, सपोज करो एंगल दे दिया आपका 30 डिग्री, देन वर्क डन बराबर क्या होगा एफ एस कॉस ऑफ थीटा, फोर्स कितना दे दिया है 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया 5, कॉस ऑफ 30 डिग्री। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ये 10th क्लास में पढ़ना है, अगर किसी ने पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, ये 50 और ये होता है कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, यानी इनसे कैंसिल हो जाएगा 25, यानी आंसर हो जाएगा 25√3 जूल वर्क डन ओके। इस तरह का न्यूमेरिकल हम लोग आगे करेंगे, अभी आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं ये इंसान क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है अपना, फिर साथ साथ डिस्टेंस भी कवर कर रहा है और फोर्स का डायरेक्शन भी इधर है, डिस्टेंस का डायरेक्शन भी इधर है, एंगल क्या होगा 0 डिग्री। तो आपको तीन चीज़ याद रखना है फिलहाल 9th क्लास में, कॉस ऑफ 0 डिग्री होता है 1 और कॉस ऑफ 90 डिग्री होता है 0 और कॉस ऑफ 180 डिग्री होता है -1। इसमें आप इसको आप याद कर लेंगे तो आपका काम बिल्कुल फिजिक्स में चल जाएगा, बाकी आप मैथमेटिक्स में डिटेल से पढ़ेंगे ओके। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इन्होंने इसको क्या किया, अपने फोर्स के दम पर ऊपर की तरफ उठाया और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर, तो W बराबर क्या हो जाएगा एफ एस कॉस ऑफ एंगल, फोर्स कितना है आप इनके पास जो भी इनका मास होगा इतना जी होगा और एस डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर और कॉस ऑफ एंगल, फोर्स भी इधर ही है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। हम लोग आगे न्यूमेरिकल में देखेंगे ये, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा एफ इंटू डी कॉस ऑफ, फोर्स का डायरेक्शन इधर है डिस्प्लेसमेंट भी इधर है कॉस 0, यानी वर्क डन हो जाएगा एफ डी कॉस 0 का वैल्यू होता है 1 ओके। अगर समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे का वीडियो में अच्छी तरीके से देखेंगे ये सारे। देखिए आज के लिए इतना ही, आपको क्या करना है एक दूसरे की मदद करना है, साफ़ सफाई रखना है, प्लास्टिक और पॉलीथीन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, पेड़ पौधे लगाना है और स्वच्छ भारत अभियान में साथ देना है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद जय भारत।